वेलकम बैक लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वाइल लूप क्या होता है एंड वाइल लूप कैसे वर्क करता है पाइथन में एल्स ब्लॉक का यूज सिर्फ इफ स्टेटमेंट के साथ नहीं होता है हम एल्स ब्लॉक का यूज वाइल लूप के साथ भी कर सकते हैं ये फैसिलिटी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं है इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है आपको क्या करना है वाइल्ड की लिखना है उसके बाद लिखनी है कंडीशन दैट इज द जनरल सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप देन द बॉडी ऑफ वाइल लूप एंड इसके बाद जो वाइल्ड कीवर्ड होता है

अगेन इस कंडीशन को चेक किया जाएगा अगेन ये कंडीशन ट्रू होती है तो अगेन इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती जब ये कंडीशन होगी फॉल्स इस कंडीशन के फॉल्स होने पर डायरेक्ट कंट्रोल एल्स ब्लॉक पे आएगा एंड एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा बट आपको एक बात याद रखनी है इफ़ यू टर्मिनेट वाइल्ड लूप बाय यूजिंग ब्रेक की वर्ड इन दैट केस एल्स पार्ट इज इग्नोर्ड एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा अभी ब्रेक क्या होता है ब्रेक लूप्स को करता है टर्मिनेट अगर आपको नहीं पता है तो इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी सो so, अगर वाइल में ब्रेक कीवर्ड यूज हुआ है तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ब्रेक के बाद डायरेक्ट कंट्रोल बाहर आ जाएगा वाइल लूप के कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा ये सिंपल एग्जाम्पल है वाइल लूप विथ एल्स का मैंने सेकंड लाइन पे काउंट वेरिएबल क्रिएट किया उसको वैल्यू असाइन की वन देन मैंने व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया वाइल की उसके बाद लिखी कंडीशन दैट इज काउंट इज लेस देन और इक्वल टू थ्री नज वैल्यून वन इज लेस देन और इक्वल टू थ्री ये कंडीशन ट्रू है सो so, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा प्रिंट होगा इन लूप एंड काउंट एक से इंक्रीमेंट होगा सेव करके मैं इसे रन करता हूं जस्ट लुक एट द आउटपुट इनसाइड लूप प्रिंट हुआ नाउ काउंट हैज वैल्यू टू फिर से कंडीशन चेक होगी टू इज लेस देन और इक्वल टू थ्री ये कंडीशन ट्रू है फिर से इन साइड लू प्रिंट होगा दैट इज दिस फिर से काउंट एक से इंक्रीमेंट होगा फिर से कंडीशन चेक होगी नाउ काउंट हैज वैल्यू थ्री थ्री इज लेस देन और इक्वल टू थ्री लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल है सो so फिर से इनसाइड लूप प्रिंट होगा दिस अगेन काउंट इंक्रीज होगा नाउ काउंट हैज वैल्यू फोर फोर इज लेस देन और इक्वल टू थ्री ये कंडीशन हो गई अब फॉल्स एंड इस कंडीशन के फॉल्स होने पर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा सो so, तीन बार इनसाइड लूप प्रिंट करने के बाद कंडीशन फॉल्स हो रही है सो so, इसके बाद इनसाइड एल्स प्रिंट होगा क्योंकि एल्स ब्लॉक में हमने ये स्टेटमेंट लिखा है जस्ट लुक एट हियर इनसाइड एल्स प्रिंट होगा नाउ मैंने वाइल लूप के अंदर ब्रेक की का यूज किया है इफ़ कंडीशन लिखिए काउंट इक्वल इक्वल टू होता है तो ब्रेक करो वाइल लूप को इस केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स ही नहीं हो रही है इसमें हमने ब्रेक की लगाया है एंड सेल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा सेव करता हूँ इसे एंड रन करता हूँ जस्ट लुक एट द आउटपुट सिर्फ इन साइड लुप प्रिंट हो रहा है इन साइड एल्स प्रिंट नहीं हो रहा है अब बात करते हैं नेस्टेड वाइल लूप की जब हम वाइल लूप के अंदर वाइल लूप देते हैं तो इसको हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ वाइल लूप्स हियर मैंने व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया है इस वाइल लूप के अंदर इस वाइल लूप को बोला जाता है आउटर वाइल लूप एंड इस वाइल्ड लूप को बोला जाता है इनर वाइल्ड लूप नेस्टेड वाइल्ड लूप काम कैसे करता है जो आउटर वाइल लूप है दिस इसके बाद एक टेक्स्ट एक्सप्रेशन है सबसे फर्स्ट इसको इवेल्युएट किया जाएगा अगर ये फॉल्स आता है तो डायरेक्ट कंट्रोल रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स में आएगा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो कंट्रोल इस स्टेटमेंट पे आएगा दैट इज इनसाइड दिस वाइल्ड लूप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा देन फिर से उसको वाइल्ड लूप मिलेगा यह टेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक किया जाएगा आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड फिर से कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा लेकिन सपोज़ यह एक्सप्रेशन होता है ट्रू तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एंड फिर से कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा फिर से टेस्ट एक्सप्रेशन चेक किया जाएगा अगर फिर से यह ट्रू होता है तो फिर से यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एंड फिर से कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं होता इस एक्सप्रेशन के फॉल्स होने पर कंट्रोल यहां पे आ जाएगा सपोज ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन फाइव टाइम्स ट्रू होता है तो यह स्टेटमेंट फाइव टाइम्स एग्जीक्यूट होगा सो फॉर वन आउटर लूप दिस कंडीशन दिस इनर लूप इज एग्जीक्यूटिंग फाइव टाइम्स दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑफ नेस्टेड वाइड लूप फर्स्ट कंडीशन चेक होगी दैट इज द आउटर लूप की जो कंडीशन है वो चेक होगी अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो डायरेक्ट वाइल लूप को एंड किया जाएगा कंट्रोल आउट ऑफ लूप आ जाएगा लेकिन अगर ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो जो इनर वाइल लूप है उसका टेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक किया जाएगा अगर वो ट्रू होता है तो इनर लूप एग्जीक्यूट होगा एंड इनर लूप तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती सो so, अगर ये कंडीशन फाइव टाइम्स ट्रू होती है तो इनर लूप फाइव टाइम्स एग्जीक्यूट होगा एंड बाद में फॉल्स होने पर फिर से ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक किया जाएगा आउटर वाइल लूप का दिस इज सिंपल एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड वाइल लूप फर्स्ट मैंने वन को असाइन किया टू वेरिएबल आई वाइल उसके सामने एक कंडीशन इज 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 लेस लेस देन देन और इक्वल इक्वल टू टू में है दिस इज ट्रू ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा लाइन नंबर थ्री पे आउटर लूप प्रिंट हो जाएगा देन जे को असाइन किया जाएगा विथ वैल्यू वन सेव करके इसे रन करता हूं मुझे कुछ इस तरह आउटपुट मिलेगा सो so, ये फर्स्ट आउटर लूप प्रिंट हो रहा है दिस स्टेटमेंट नाउ फिर से अंदर मैंने वाइल लूप लिखा है दिस इज इनर वाइल्ड लूप इसके सामने एक कंडीशन है जे इज़ लेस देन और इक्वल टू थ्री एंड जे को हमने असाइन किया है वैल्यू वन वन इज लेस देन और इक्वल टू थ्री एंड ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से इनर लूप एग्जीक्यूट होगा एंड इनर लूप प्रिंट हो रहा है अगेन जे को इंक्रीमेंट किया जाएगा नाउ जे बिकम्स टू फिर से कंडीशन चेक होगी दैट इज इनर व्हाइल लूप की टू इज लेस देन और इक्वल टू थ्री ट्रू है सो इनर लूप प्रिंट होगा दैट इज दिस फिर से जे इंक्रीमेंट होगा नाउ जे बिकम्स थ्री दिस कंडीशन इज ट्रू इनर लूप प्रिंट होगा नाउ फिर से जे इंक्रीमेंट होगा नाउ जे बिकम्स फोर एंड दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स सो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा आई को इंक्रीमेंट किया जाएगा आई में वन है नाउ आई बिकम्स टू एंड फिर से कंट्रोल यहाँ से यहाँ तक आएगा नाउ टू इज लेस देन और इक्वल टू थ्री कंडीशन ट्रू है फिर से ये एग्जीक्यूट किया जाएगा सो so, यहाँ पे एक आउटर लूप के लिए के लिए तीन बार इनर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है आपको यहाँ पे इंडेंटेशन मेंटेन करना है इंडेंटेशन देखिए इसका एट स्पेसेस है सो सिंपली आउटर वाइल लूप के कंडीशन के ट्रू होने पर इनर लूप कितनी बार भी एग्जीक्यूट हो सकता है जब तक यह कंडीशन ट्रू रहती है। अगर कंडीशन बार ट्रू है, तो इनर वाइल लूप हंड्रेड बार एग्जीक्यूट होगा फॉर वन आउटर वाइल सो इस तरह काम करता है नेस्टेड वाइल लूप। इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा विल सी यू नेक्स्ट टाइम